पार्शल ड्रॉप ईयर में अलग पांडे सर का प्रयास 2.2 बैच में एनरोल किया था। उस बैच में मतलब सिलेबस जो था वो फरवरी तक कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से हमें रिवीजन के लिए एम्पल टाइम मिल गया था। जब मेरा एनआईटी में हो गया तो मैं खुश था, पर उतना हैप्पी नहीं था, क्योंकि मेरे को मतलब आईआईटी मेरे लिए एक बचपन से ड्रीम था और मैं आईआईटी के लिए मतलब चाहता था कि मैं आईआईटी में एडमिशन लूँ, इसलिए मैंने पार्शल ड्रॉप भी लिया। तो मुझे कभी कभी अपने आप पे बहुत सेल्फ डाउट होता था कि अगर मैं बाई चांस अनसक्सेसफुल हो गया या मैं कुछ नहीं कर पाया तो एक तो मेरा 1 ईयर भी वेस्ट होगा जिसमें मैं कुछ कर नहीं पाया, और ऊपर से अपने सारे जूनियर से या अपने मतलब अपने साथ वाले क्लासमेट से सारे पीछे भी निकल जाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ जेईई पे चर्चा। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है नितिन, जिसने पार्शियल ड्रॉप पे जेईई एडवांस हो रहा और आज आईआईटी रुड़की सिविल ब्रांच में। तो चलिए नितिन से बात करते हैं। नितिन, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन नेगी एंड दिस ईयर इन जेईई मेंस आई गॉट अ रैंक ऑफ 3196 एंड इन जेईई एडवांस आई गॉट अ रैंक ऑफ 5328। टिल जोसा राउंड 3 आई एम गेटिंग आईआईटी रुड़की सिविल। आई एम होपिंग दैट इट माइट अपग्रेड टू केमिकल ब्रांच टिल द नेक्स्ट राउंड्स। थैंक यू। इनकी जो स्टोरी यार इतनी मोटिवेटिंग है। जनरली क्या होता है कि पार्शियल ड्रॉप वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत डर लगा हुआ रहता है, सेल्फ डाउट होता है अंदर से कि क्या हम कर पाएंगे आईआईटी पार्शियल ड्रॉप पे। बिकॉज पार्शियल ड्रॉप पे आपको पता है एकेडमिक्स का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, आपको अपने कॉलेज को भी मैनेज करना पड़ता है। और इनके बारे में एक स्पेशल चीज बताऊं, ये एनआईटी कुरुक्षेत्र से पार्शियल ड्रॉप किया, जो कि आपको पता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी में से एक है। इन्होंने उस कॉलेज से पार्शियल ड्रॉप की और उनके जो एकेडमिक्स वाले प्रेशर है उनको भी एनकाउंटर करते हुए अपने जेईई की प्रिपरेशन की। तो यार ये कैसे इन चैलेंजेस के मतलब कैसे अपने एकेडमिक्स को भी मैनेज किया, उसके साथ साथ पढ़ाई भी की, कैसे ऑनलाइन इन्होंने सब कुछ मैनेज किया, ये जब आप जानोगे ना तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आज जानेंगे नितिन से कि नितिन आपने क्लास 12 तक कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन की और क्लास 12 के बाद कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, मतलब आपने बेसिकली कौन सी कोचिंग से अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन की है। क्लास 12 तक तो मैंने बंसर क्लासेस से प्रिपरेशन की थी और उसके बाद मैंने पार्शियल ड्रॉप ईयर में अलग पांडे सर का प्रयास 2.2 बैच में एनरोल किया था। उस बैच में मतलब सिलेबस जो था वो फरवरी तक कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से हमें रिवीजन के लिए एम्पल टाइम मिल गया था और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी टाइम मिल गया था। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, जैसे अनअकैडमी एटम्स, अनअकैडमी एसलरेट और वेदांतू जेई और जेई वल्ला, उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि जेई में क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी यार मेरे को जो सबसे मेन चीज़ यार आपसे मिलने के बाद जो सबसे ज़्यादा खटकी है, लाइक मेरे को अभी भी यही सोच रहा हूँ कि यार एक पॉइंट पे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसा कॉलेज, उसमें भी आपको एक अच्छी ब्रांच मिली, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रहा है, वो सही ब्रांच है। सो आपने पार्शियल ड्रॉप लेने का क्यों सोचा, क्या ऐसा नीड था कि जो आपको पार्शियल ड्रॉप लेनी पड़ी? आईआईटीज में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और क्लब्स होते हैं, फेस्ट होता है, और ऊपर से अगर टैग की बात की जाए तो एक आईआईटीएन का टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कभी फ्यूचर में किसी और जॉब के लिए अप्लाई करो, भले वो यूपीएससी हो या कोई कोचिंग हो, उसमें आईआईटीएन का टैग आपके जो करेक्टर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मार्क कर देता है। मुझे आईआईटी पहले से ही जब मैं 11th 12th में था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जब भी अपना एग्जाम देने जाता था तो मेरा सेंटर मेनली रुड़की की तरफ ही पड़ता था और मुझे आईआईटी रुड़की काफ़ी ज़्यादा बार दिख चुका था, जिसकी वजह मुझे आईआईटी रुड़की के अंदर मतलब किसी भी तरह मेरा एक मोटिव था कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। जब मेरा एनआईटी में हो गया तो मैं खुश था, पर उतना हैप्पी नहीं था, क्योंकि मेरे को मतलब आईआईटी मेरे लिए एक बचपन से ड्रीम था और मैं आईआईटी के लिए मतलब चाहता था कि मैं आईआईटी में एडमिशन लूँ, इसलिए मैंने पार्शियल ड्रॉप भी लिया। सही है यार, बहुतों को होता है कि लाइक मुझे आईआईटी में ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे जिसको मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया, उन्होंने ड्रॉप लिया या फिर पार्शियल ड्रॉप वाले, तो आप स्पेशल केस हो। लाइक अभी तक मैंने ऐसे कोई स्टूडेंट को इंटरव्यू नहीं किया जिसने पार्शियल ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन की है, ठीक है? तो ये एक स्पेशल केस है और काफी बच्चे जो कि सोच रहे होंगे पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए उनको काफी हेल्प करने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लाइक आपने बताया आपने कोचिंग पार्शियल ड्रॉप पे फिजिक्स वाला से किया, ऑनलाइन प्रिपरेशन की। क्या अगर मैं पूछूं आपसे मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप केवल फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल्स थे उतने ही करते थे या फिर उसके अलावा कोई पर्टिकुलर बुक भी फॉलो की आपने? मैंने कोई मॉड्यूल्स तो नहीं लिए थे फिजिक्स वाला के, मैंने सिर्फ डीपीपी करी थी फिजिक्स वाला की, और जैसे मैं पहले भी एनरोल था बंसर क्लासेस में तो उनके मॉड्यूल्स मैं पहले कर चुका था। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से काफ़ी प्रैक्टिस की थी, जैसे अनअकैडमी एस्टिमेट था, अनअकैडमी एटम्स था, इनमें नए नए क्वेश्चंस भी आते थे, जो पीवाई की तो मैं पहले ही कर चुका था सारे, और अब पीवाईक्यू बार बार करने से मतलब हैबिट हो गई थी कि मतलब वो डट गए थे लगभग एक तरह से। तो नए नए क्वेश्चन करने के लिए मैंने वेदांतु का श्योर शॉट 60 हो गए और एटम्स एंड गेम हो गया,
ऐसे ही अनअकैडमी एक्सलेट पे बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस होते थे और अनअकैडमी जेई पे भी नए नए क्वेश्चंस कराए जाते थे जो मतलब थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे थे और नए क्वेश्चंस का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल गया था उनसे। तो उन क्वेश्चंस को करके मतलब मेरे को एक्चुअल जब मैं जेई देने गया तो उतना डर नहीं लगा था जितना पिछली बार लग रहा था, क्योंकि पिछली बार मैंने सिर्फ PYQ किए थे जब मैं क्लास 12th में ऐसा फ्रेशर था, पर जब मैं पार्शल ड्रॉप में आया तो मैंने काफ़ी नए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जिसकी वजह से इस बार जो मैथ्स का पेपर था थोड़ा टफ लग रहा था, उसमें नए क्वेश्चंस करने से वो इतना टफ नहीं लगा। और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी हो गई थी लगभग मुझसे, और मैथ्स में जितना टाइम था मतलब मैंने अच्छे से दिया। और निशांत वोरा सर और हमारे न्यूक्लियस एजुकेशन में जो हमें पढ़ाते थे राजीव रस्तोगी सर प्रयास 2.0 में, और अरविंद कालिया सर, समीर चिंचोलीकर सर, इन सर की बदौलत मेरे मैथ्स में मतलब दोनों अटेम्प्ट 99 क्रॉस हो गए थे मतलब परसेंटाइज। बाकी यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपने कैसे मैनेज किया, लाइक आपको पता है कि जैसे इवन मैं कॉलेज में हूँ, मेरे को पता है कि एकेडमिक्स का बहुत प्रेशर होता है एट टाइम्स जब एग्जाम्स होते हैं, तो आपने इन सबको कैसे मैनेज किया पार्शियल ड्रॉप पे? लाइक आपने जेई का प्रिपरेशन किया जो कि बहुत रिगरस होता है प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ एकेडमिक्स का भी मैनेज किया, आपने कैसे किया लाइक ये ओवरऑल? तो कुरुक्षेत्र में हमारा जो सेमेस्टर था वो अराउंड 15 दिसंबर के अराउंड शुरू हुआ था, और ये अच्छी बात थी कि हमारा जो पहला सेमेस्टर था वो पूरा ऑनलाइन था, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं लेक्चर देखता रहता था और ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे मार्क करने जाता था, और ज़्यादातर मैं क्लासेस से नहीं अटेंड करता था उन्हें, और लेक्चर्स पूरा करने के अलावा मैं क्वेश्चन भी और DPP को भी उसी दिन करता था प्रैक्टिस, जिससे मेरा कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो ज़्यादा। और उसके अलावा जब हमारा अचानक सेमेस्टर ऑफलाइन हुआ तो बीच में थोड़ा थोड़ा अपने आप पे सेल्फ डाउट लगा कि मतलब अब छोड़ देना चाहिए, पर अपने एक अंदर से एक मतलब वो था कि अब जब 3 महीने ट्राई कर ही लिया तो आगे 3 महीने भी ट्राई कर देते हैं, और उस समय जेई भी पोस्टपोन हो चुका था जून जुलाई तक के मंथ तक। तो फिर जब सेमेस्टर ऑफलाइन हुआ तो मैंने मतलब क्लासेस को तो अटेंड करना था 75% अटेंडेंस के लिए, पर मैं फिर लेट इन द नाइट तक पढ़ता था, और कभी कभी मतलब मैं लाइब्रेरी में भी जाता था पढ़ने के लिए। तो और एकेडमिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मिड टर्म्स होते थे या हमारे सेमेस्टर्स होते थे उनसे मैं कभी कभी 3 या 4 दिन पहले या कभी कभी 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करता था, और मतलब उसमें अच्छे पासिंग मार्क्स लाए या थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आता था, दैट्स ऑल। बाकी यार जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कॉलेज के साथ मैनेज करते थे, अब जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप या फिर ड्रॉप ईयर में होंगे उनको आप मतलब अपना टाइम टेबल बता सकते हो, लाइक आपका पर्टिकुलर टाइम टेबल क्या था? मेरा टाइम टेबल जब मैं ऑफलाइन चला गया था कॉलेज तो मेरा टाइम टेबल तो रहता था पार्शियल ड्रॉप में, मेरा ऑफलाइन टाइम टेबल ज़्यादा था ये था कि मतलब जब सेमेस्टर ऑनलाइन थे तो मैं सुबह 6 या 7 o'clock पे उठता था, और लेक्चर हमारे बेसिकली 8:30 या 8:45 से शुरू होते थे, तब तक मैं लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था थोड़ी बहुत, उसके बाद लेक्चर देखने के बाद मैं दिन में 10 से लेकर 12 बजे तक भी पढ़ाई करता था, और फिर थोड़ी क्लासेस होती थी उनके बाद मैं शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाई करता था, और कभी कभी अगर 3 से 6 के स्लॉट में हमारी कोई क्लास शेड्यूल हुई या अचानक से कोई प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल हुआ तो मैं रात को लेट इन द नाइट लाइक 1 या 2 बजे तक भी पढ़ाई कर देता था। पर जब सेमेस्टर्स ऑनलाइन ऑफलाइन हुए तो थोड़ा मतलब क्लासेस फिजिकली मतलब रिपोर्टिंग थी और क्लासेस में मतलब जाना जरूरी था तो थोड़ा थक लग जाता था, जिसकी वजह से मैं कभी कभी शाम को सो जाता था, और लेट इन द नाइट कभी कभी जैसे रात के 3-4 बजे तक या 2-3 बजे तक पढ़ाई करता था, और सुबह मतलब देर से उठ पाता था क्योंकि कॉलेज का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक टाइप का था और उसमें क्लासेस अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि 75 अटेंडेंस जो थी वो कंपलसरी थी मतलब सब बच्चों के लिए। बाकी यार आप मॉक टेस्ट अगर देते थे तो कितने नंबर आ जाते थे आपके मॉक टेस्ट में, जनरली एक एवरेज बता दो। वेल मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मतलब कॉलेज में थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक था जिसकी वजह से मॉक टेस्ट नहीं दे पाता था, पर मैं अगले दिन जो था मतलब जो वीडियो सॉल्यूशन आते थे उनको मैं पॉज करके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करता था काफ़ी टाइम में, और एडवांस में भी मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी किए थे, एडवांस के मतलब मॉक टेस्ट को भी मैंने सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस किया था, पर मैंने कोई टाइम बाउंड टेस्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से जब एक्चुअल जेई एडवांस हुआ तो उसमें मैं अच्छे से टाइम मैंने नहीं कर पाया था, और मैंने काफ़ी टाइम मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री को दे दिया था। तो मतलब ये मेरा ड्रॉबैक था एक। बाकी यार जो चीज़ मेरे को पूछना है कि यार आप पार्शियल ड्रॉप पे प्रिपरेशन करते थे, पार्शियल ड्रॉप पे जनरली क्या होता है लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी NIT कुरुक्षेत्र में जैसे आपके साथ होता होगा कि मैं हूँ टेंशन किया अगर IIT नहीं मिल रहा फिर भी NIT कुरुक्षेत्र का प्लेसमेंट तो अच्छा है तो इसके भरोसे मैं रह सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे आपको डाउट्स आते होंगे, सेल्फ डाउट आते होंगे कि यार छोड़ दूँ अब तो पार्शियल ड्रॉप प्रिपरेशन, लग जाओ अपने कॉलेज में, तो उस समय आपने क्या किया, मतलब क्या दिमाग में थॉट्स आते थे आपके, फिर आपने क्या किया ऐसे? जब मैं कॉलेज ऑफलाइन गया था तो मतलब सभी बच्चे, जहाँ तक मैं इलेक्ट्रिकल में था तो सभी बच्चे मतलब कोडिंग काफ़ी कर रहे थे या वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे, कोई ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा था, सब मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, और मतलब वहाँ मैं अकेला था जो पार्शियल ड्रॉप कर रहा था, तो मुझे कभी कभी अपने आप पे बहुत सेल्फ डाउट होता था कि अगर मैं बाय चांस अनसक्सेसफुल हो गया या मैं कुछ नहीं कर पाया तो एक तो मेरा 1 ईयर भी वेस्ट होगा जिसमें मैं कुछ कर नहीं पाया, और
ऊपर से मैं अपने सारे जूनियर से या अपने मतलब अपने साथ वाले क्लासमेट से सारे पीछे भी निकल जाऊंगा। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था, पर मेरे अंदर एक ये था कि अगर मैंने 3 महीने पहले अपने पार्शियल ड्रॉप में अगर लगा चुका हूँ तो अब अगर मैं 3 महीने कोडिंग करूँगा तो मैं पीछे निकलूँगा और पार्शियल ड्रॉप भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा मैंने अपना पूरा एफर्ट फिर पार्शियल ड्रॉप में डाला। काफ़ी बार मुझे सेल्फ डाउट होता था कि मतलब पेपर इस बार जून जुलाई में हो रहा है जो काफ़ी टफ हो सकता है और परसेंटाइल में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, पर अंदर से मतलब एक ट्रस्ट था कि अगर इस बार मैं एज अ पार्शियल ड्रॉपर हूँ तो, और मैं तैयारी भी ज़्यादा अच्छी की थी पिछली बार से, तो मेरे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस भी था कि मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा पिछली बार से। तो और उसके अलावा जब एडवांस पास आ रहा था तो तभी भी बहुत सेल्फ डाउट हो रहा था क्योंकि तब तक मैंने कॉलेज छोड़ चुका था, और अगर मतलब मेंस में मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया था पर मतलब ड्रीम तो मैंने हमेशा IIT के लिए देखा था। और जब एडवांस मतलब एडवांस से 2-3 दिन पहले तो आई थिंक मुझे रात को थोड़ा अच्छी नींद नहीं आई थी, पर ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक नींद आ गई, जिसकी वजह से जो मेरा पेपर था वो काफ़ी अच्छा चला गया था, जितना मैंने उम्मीद किया था उससे तो अच्छा गया था। बाकी यार फाइनली आप जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है 2023 2024 या सो ऑन, जो भी प्रिपरेशन करेंगे आगे जाके, उनको उनको मतलब क्या पर्टिकुलर टिप देना चाहोगे अपने साइड से? मैं एक ही टिप दूंगा कि आप किसी भी एक कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं लेक्चर्स के लिए, प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें, भले वो यूट्यूब हो, भले वो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो या भले वो किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हो, पर आप मटेरियल मतलब आप लेक्चर जो हैं वो सिर्फ एक ही कोचिंग का फॉलो करें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स देखेंगे कोचिंग से तो आपका मतलब पूरा जो टाइम है वो लेक्चर्स में निकल जाएगा। और आपको नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि एंड टाइम में सिर्फ नोट्स काम आते हैं, ये नहीं कि आप पूरा लेक्चर रिवाइज करने बैठ गए, एंड टाइम में सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे और वही आपको मतलब कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दिला पाएंगे जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम दोनों में। और बाकी यार नितिन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग यार, सही में मतलब ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काउंसलिंग भी चल रही है, बट स्टिल आपने टाइम निकाला अपने जो जूनियर फेलोज है, एस्पिरेंट्स है जो कि आगे जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर रहे होंगे अभी करंटली, उनके लिए सो दैट उनको थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, एंड जो भी लोग भैया से देख रहे हैं उनको सुने हैं तो यार भैया से कुछ टिप्स ले लेना सो दैट, और जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो भैया यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, अगर हो सके ओपनली रिप्लाई कर देंगे या फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो आप अपने कमेंट्स डाउट पे मतलब जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक्स अ लॉट नितिन अगेन फॉर कमिंग। और आपको कुछ कहना है एंडिंग एंड में? मैंने भैया के चैनल पे एक वीडियो भी देखी थी जिसमें एक लड़के की 48 से 99.2% आई थी और वो जस्ट मेंस के रिजल्ट के बाद ही आई थी, जिसकी वजह से मैं अपने एडवांस के लिए काफ़ी मोटिवेट हो गया था। तो अगर आपको भैया का चैनल पसंद आता है तो आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी अच्छे मोटिवेशन कंटेंट इसमें आता रहता है और आगे भी आता रहेगा। तो आपको अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके थैंक्स यार, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे दमदार सेशंस हमारे आते रहेंगे, जेई पे चर्चा सीरीज जो है ये चलते रहेगी। और अगर आपको इस सीरीज का पार्ट बनना है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी ritikbaheti313@gmail.com इसमें मेरे को मेल कर सकते हो अपने रैंक और इस सीरीज का पार्ट बन सकते हो, अगर आपकी स्टोरी भी मेरे को इंस्पायरिंग लगे नितिन जैसे। ओके सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय।